भगवानपुरा जनपद के चौखंड में बने खारक बांध प्रभावितों का कलेक्टर कार्यालय के बाहर खरगोन इंदौर रोड पर धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। बांध प्रभावित 129 लोगों के जीआरए द्वारा पारित अवार्ड की राशि की मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे परिवार के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के 10वें दिन प्रभावितों को आदिवासी समाज संगठनों का समर्थन मिला। करीब 9 संगठनों के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पहुंचकर प्रभावितों से चर्चा के बाद मौके पर पहुंचे। एसडीएम भास्कर गाजले को ज्ञापन सौंपते हुए एक सप्ताह में पारित अवार्ड राशि प्रभावितों को देने की मांग की। जेएस के लोकेश मुजालदा, सुभाष डावर, कोलू खोड़े ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जेएस मांग को लेकर आदिवासी परिवार तेज बारिश आंधी तूफान में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हैं और अब तक शासन प्रशासन इनकी मांग पर कोई विचार नहीं कर रहा। इससे समाज में आक्रोश है। उन्होंने सवाल उठाया है कि प्रदेश में क्या आदिवासियों की सरकार नहीं है? 10 दिन से आदिवासी महिलाएं सड़क पर बैठी हैं। क्या ये लाडली बहने नहीं है? जागृत आदिवासी दलित संगठन नेत्री माधुरी बहन ने बताया कि खारक बांध में 300 से ज्यादा आदिवासी परिवार प्रभावित हुए हैं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 7 साल के बाद भी 129 लोगों को जीआरए द्वारा पारित अवार्ड की राशि प्रदेश सरकार नहीं दे सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। प्रमुख सचिव महोदय को पत्र लिखा था और आपका जो एक जो 30 तारीख को जीआरए की बैठक के लिए भी वहाँ से आदेश हो गया यहाँ पे जो खरगोन में होना है। दूसरा जो अपीलेट कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट के लिए भी शासन को पत्र लिखा है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और आज भी आपके जो ई है उनको हाईकोर्ट में ही भेजा है साहब ने कि वहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन लगाए कि इनमें प्रकरणों में जल्दी से जल्दी सुनवाई हो पाए। हाईकोर्ट में है ही नहीं, हाईकोर्ट में क्या, हाईकोर्ट का काम ही नहीं है इसमें। हाईकोर्ट 10 वर्षों से है और जब आप सर्वोच्च न्यायालय को तो मानते होंगे, हाईकोर्ट को भी मानते होंगे, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि इनको मुआवजे की राशि उपलब्ध करवाई जाए, फिर प्रशासन यहाँ पर 10 दिनों से इनके अभी भी ध्यान नहीं दे रहा है। 2017 में भी इन्होंने 3 बार जेल भरो आंदोलन किया है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि इनकी मांगों को आप यथाशीघ्र जो भी हो संभव करवाइए, क्योंकि ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता 5 जनवरी 2011 को इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। इसके बावजूद भी आज मूल मालिक सबसे ज्यादा हाशिए पर है। आज सड़क की समस्या लेकर भी आदिवासी लोग आए हैं इस 67 गाँव के नाम। तो हाईकोर्ट ने बोला कि एक जीआरए के माध्यम से जो है सब जांच किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जल्दी करने के लिए 3 जीआरए बिठाए जाए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुके हैं कि आपको पुनर्वास करना है। उसके बावजूद 129 प्रकरण जिसमें अवार्ड पारित हो चुका है जीआरए द्वारा, उन अवार्ड को क्यों रोका जा रहा है? वो वितरण क्यों नहीं जा दिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित किया गया जीआरए ने फैसला दिया तो मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को मानती है कि नहीं मानती है, सवाल यह है। उस व्यवस्था को भंग करने के लिए वो उलझने खड़ा कर रहा है कि हम नहीं मानते हैं, हम इसका वापस देखेंगे। क्यों वापस देखेंगे? आपको वापस देख रहा है तो भाई कोर्ट वापस जाइए, ये कहने के लिए कि हम आपकी बात नहीं मानते हैं। खरगोन जिले के कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो खारक डैम प्रभावित जो लोग थे, जो 128 प्रभावित परिवार है, उनके साथ हम लोग धरने पर बैठे। साथ ही साथ भगवानपुरा तहसील के जो पूरे गांव हैं, उन ग्रामीण अंचलों में आज भी रोड की व्यवस्था नहीं है। अभी मीडिया के माध्यम से पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से सिरवेल क्षेत्र में एक महिला की डिलीवरी रोड पर हो जाती है, क्योंकि उनके आने जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। और साथ ही साथ रोड ऐसा नहीं है कि जहां तक एम्बुलेंस पहुंच पाए। तो ये आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति है। जब एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि आदिवासियों के विकास के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है, तो काम कहाँ है? आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास हुआ था। आदिवासी क्षेत्रों में अगर विकास हुआ होता तो एक आदिवासी महिला रोड पर अपने बच्चों को जन्म नहीं दे रही होती। आदिवासी लोग कलेक्टर कार्यालय के बाहर अपने हक के लिए धरने पर नहीं बैठे होते। तो खारक डैम प्रभावितों को उनकी मांग अनुसार जो मुआवजा राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था, वो प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, साथ ही साथ आदिवासी जो क्षेत्र है भगवानपुरा क्षेत्र, वहां पर रोड की समस्या, बिजली की समस्या के लिए तमाम जेएस के साथ ही
आदिवासी जागरण संगठन के साथ ही तमाम सामाजिक संगठनों के साथ ही पटेल समाज के साथ ही आज यहाँ पर एकत्रित होकर ज्ञापन दिए हैं। इंजीनियर लोकेश मुजाला, जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष। समस्त सामाजिक संगठन जयस, आदिवासी एकता परिषद, पटेल संघ और जागृत आदिवासी दलित संगठन और छात्र संघ, सारे संगठन मिलकर आज खारक वालों के साथ में कि खारक डैम में जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ में मिलकर आज कलेक्टर घेराव किया है। ये पिछले 10 सालों से जो खारक डैम का जीआरए का पैसा सरकार शिवराज सिंह सरकार ने रोका हुआ है, आधा पैसा एक साल पहले दिया गया है और आधा पैसा ये कहकर बोल दिया कि हम 8 दिन में दे देंगे, और आज तक जीआरए का जो 3 करोड़ रुपया पैसा बचा है वो आज तक सरकार नहीं दे रही है। और मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा और कई तरह की यात्राएं निकाल रही है, जबकि हमारे खरगोन जिले में आज हमारा आदिवासी भाई यहाँ रोड पर खरगोन जिले में रह रहा है। और खरगोन जिले में अभी 3 दिन बरसात हुई तो 3 दिन भीगते हुए धरना प्रदर्शन पर रहिए। तो आज हम खरगोन जिले के समस्त सामाजिक संगठन मिलकर आज आह्वान कर रहे हैं कि इन खारक वालों की समस्या अगर 8 दिन के अंदर नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और राष्ट्रीय स्तर का धरना प्रदर्शन होगा। सारा जेएस आज कलेक्टर ऑफिस घेराव करेगा। आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? हमें आश्वासन मिला है कि 15 दिन का बताया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर और तुम्हारा जीआरए का पैसा मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष, खरगोन मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।